भीषण गर्मी के चलते शहर में कई वर्षों बाद जल संकट गहराया है। नगर पालिका द्वारा नगर में जल प्रदाय कम समय के लिए किया जा रहा है, जिससे शहर के कई वार्डों में विरोध किया जा रहा है। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों द्वारा जल नगर पालिका में जल संकट को लेकर बैठक की मांग की गई। दरअसल नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में जल प्रदाय एक दिन छोड़कर किया जाता है और कभी कभी तकनीकी समस्या के चलते जल प्रदाय बाधित होता है। वहीं भीषण गर्मी में नगर पालिका द्वारा किया जाने वाला जल प्रदाय में आ रही समस्या से पूरे नगर में लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा टैंकरों से वार्डों में पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह यादव, कांग्रेस पार्षद ईशु यादव, शकुंतला धनगर एवं वार्ड 16 के लोगों ने नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय नहीं किए जाने पर विरोध जताया। तो क्या परिचय आपका? मैं वार्ड नंबर 16 से बोल रही हूँ, शकुंतला धनगर। हमारे वार्ड में पानी की बहुत समस्या है और मोहल्ले वाले भी परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। टैंकर बुलाते हैं, सुबह से बोलते हैं, शाम तक टैंकर आती है और पानी की समस्या बहुत भारी है। पहले कभी ऐसी स्थिति बनी है कि टैंकरों से पानी आया? नहीं, पहले नहीं आए, इस साल ज्यादा परेशानी आ रही है। एक महीने से। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रूपाली शर्मा है, लोग वार्ड 16 में रहते हैं, पर हमारे यहाँ विगत एक महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है और टैंकर की तो पूर्ति ही नहीं हो पाती है। जब आवश्यकता रहती है उस समय तो पानी कभी मिलता ही नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी वश कुओं से पानी भरना पड़ता है। नल कितनी देर चलता है, मतलब जल प्रदाय कर रही है? पहले तो एक घंटा चलता था, लेकिन अभी हमारे घर तो बिल्कुल पानी ही नहीं आता है। और यही समस्या हमारे घर नहीं है, ये मोहल्ले में कम से कम 50 घरों की समस्या है कि बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है। 50 घरों में तो गंभीर समस्या है कि बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। क्या मांग करते हैं? हम तो बस यही मांग करते हैं कि या तो सीएमओ साहब देखें कि पानी किस वजह से नहीं आ रहा है, अगर पाइपलाइन छोटी हो तो उसे बड़ी कराई जाए, या फिर देखें कि समस्या क्या है। मेरा नाम ईश्वर यादव है, मैं वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ। ये जो लगातार जल की समस्या आ रही, जल प्रदाय में नगर पालिका द्वारा समस्या आ रही है, लोगों को क्या कहेंगे? सर, ये पर्टिकुलर एक वार्ड की समस्या नहीं है, 24 वार्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले हर पार्षद के यदि मोहल्ले से बाइट ली जाएगी तो आपको हूबहू ऐसी ही बाइट मिलेगी। लोकल लोगों से जब पूछेंगे पानी को लेकर आपकी क्या व्यवस्था है, तो वो बताएंगे कि लगभग नियमित एक महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका समाचार हमारे माध्यम से एकत्रित कर आगे भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन रोजमर्रा में लगने वाला पानी समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है और इसको लेकर प्रबंधन कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है। इसको लेकर हमारे यदि पार्षदों की टीम से भी पूछें तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका कोई भी सुचारू जवाब नहीं आ रहा जो हम वार्ड वासियों को दे पाए। जनता काफी आक्रोशित है, व्यवस्था में क्या हो रहा है इसकी सूचना भी पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए और भी सामना करना पड़ रहा है। विरोध का 100% है, हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम भी उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि व्यवस्था कहां से बिगड़ी हुई है। क्या परिचय है? मैं राकेश सिंह यादव, वार्ड नंबर 9 का पार्षद और नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका परिषद, इस समय वार्ड नंबर 16 में खड़ा हूँ। वार्ड नंबर 16 क्या, इस समय पूरे आप कह सकते हैं कि नगर की जो जल वितरण व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पूरा नगर पानी के लिए परेशान हो रहा है, ऐसी अव्यवस्था तो पहले कभी रही नहीं नगर में। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो तुरंत सीएमओ साहब को एक नगर परिषद की एक बैठक तुरंत आहूत करनी चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो कुछ नए पंप की जरूरत पड़े तो वो खरीदें, कुछ नई मोटर की जरूरत पड़े तो वो खरीदें, हम सब उनका इस मामले में साथ देंगे, लेकिन इस अव्यवस्था को तुरंत सुधारें और नगरवासियों को जल वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करके देवे, हमारा ये कहना है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।